गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज श्रीकांत एंड अवर क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर 2nd पीपल एज अ रिसोर्स कंटिन्यू। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लासेस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट एंड हियर वी टॉट अबाउट सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एंड टूडे वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, यानी कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगारी है, उसका जो है हमारी इकोनॉमी पे क्या इसका इम्पैक्ट आएगा, हमारी सोसाइटी पे, हमारी इंडिविजुअल पर क्या इम्पैक्ट आएगा। ओके, लेट्स ओके वन बाई वन। ओके, एंड इट्स स्टूडेंट्स, अनएम्प्लॉयमेंट लीड टू द वेस्टेज ऑफ मैन पावर। ओके, and as you know, India's population is too much, okay, and government's efforts, the literacy rate increase, okay. If there is not an employment according to demands, then it's lead to the wastage of man power, yani ki yahan par jo man power hai jiska hum log utilize kar sakte hain, and we can take help of manpower to increase our GDP, our economy, our country. Okay beta, to yahan par wo kya ho raha hai, ye wastage ho raha hai population, and the peoples who are asset, jo peoples who are asset and turn into a liability, it's been a burden. वो बेटा वो किस में चेंज हो जा रहे हैं, वो बर्डन में चेंज हो जा रहे हैं। जिसको कि हम लोग एसेट बना रहे थे, वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, लाइबिलिटी एज अ बर्डन। वाई? ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी से। एंड इट्स अनएम्प्लॉयमेंट लेड टू द फीलिंग ऑफ होपलेसनेस एंड द डिस्पेयर। मतलब इट्स आल्सो क्या करता बेटा, इट्स लेड टू द फीलिंग ऑफ होपलेसनेस। मतलब इसमें से क्या आती है, अनएम्प्लॉयमेंट से निराशा आती है, होपलेसनेस, लोगों के अंदर जो है होपलेसनेस आती है। एंड इट टेंड इंक्रीज द इकोनॉमिक ओवरलोड। ओके, इट टेंड इन द इंक्रीज द इकोनॉमिक ओवरलोड, द डिपेंडेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीज। अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन, जो वर्किंग पॉपुलेशन में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ जाती है। एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिविजुअल एज वेल एज द सोसाइटी इज डाइवर्सली अफेक्टेड। स्टूडेंट, ड्यू टू द अनएम्प्लॉयमेंट इंडिविजुअली, इंडिविजुअल एज वेल एज द सोसाइटी इज डाइवर्सली इफेक्टेड, यानी कि इंडिविजुअल जो लाइफ है वो तो इफेक्ट होती है, साथ साथ जो सोसाइटी, उसके साथ साथ जो है क्या होता है बेटा, सोसाइटी भी इफेक्टेड होती है। ओके, एंड देयर इज अ जनरल डिक्लाइन इन हेल्थ स्टेटस ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट अगर बेरोजगारी है, एंड वी कैन नॉट गेट जॉब, वी कैन नॉट अर्न मनी। ओके, एंड वी कैन नॉट प्रोवाइड बेटर एजुकेशन हेल्थ टू अवर चिल्ड्रेंस। हम लोग अपने जो है चिल्ड्रेंस को, अपने वार्ड्स को बेटर हेल्थ और एजुकेशन भी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो बेटा ये किसको लीड करेगा, डिक्लाइन इन हेल्थ स्टेटस। ओके, जब रोजगार नहीं रहेगा तो लोगों जॉब चली जाएगी, तो फिर वो क्या होगा, वो पैसे अब नहीं कर पाएंगे, इसकी वजह से वो जो है अपने बच्चों को बेटर एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज भी प्रोवाइड नहीं कर। एंड दिस आल्सो लेड टू द ड्रॉपिंग ऑफ एडमिशन। ओके, सॉरी, अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो फिर जो अपने बच्चों को लोग प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। ओके, एंड इट्स आल्सो लेड टू द ड्रॉपिंग ऑफ एडमिशन, ओके, इन स्कूल। स्टूडेंट्स, इट्स आल्सो इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इंडिकेटर ऑफ डिप्रेस्ड इकोनॉमी। यानी कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है बेटा, हमारी जो इकोनॉमी को भी क्या करेगा, जो है डिप्रेस करेगा। ओके, एंड सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट ऑफ दिस लेक्चर, इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगारी का क्या प्रभाव जो है हमारी इकोनॉमी, हमारी सोसाइटी, इंडिविजुअल, ओके, हमारे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका सारा हम लोगों ने भी देखा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।